तो आज हम बात करने वाले काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बेंटन की सीरीज में हमें जो विलगैक्स है वो मेन विलन के तौर पे देखने को मिलता है, यानी कि बेंटन की कोई भी सीरीज हो हर एक सीरीज में मेन विलन कोई और नहीं बल्कि विलगैक्स ही देखने को मिलता है। बेंटन अल्टीमेट एलियंस के एंड में हमें पता लगता है कि डैगन को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि विलगैक्स है। वहीं पे बेंटन की सीरीज में अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो बेंटन की सीरीज में एक और पावरफुल विलन हमें देखने को मिला था जिसकी पावर्स को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि उसकी बैटल हम लोग विलगैक्स के साथ करा सकते हैं। और इस विलन का नेम है हैक्स, जो कि गाइस हमें बेंटन क्लासिक से देखने को मिल गया था। और आज हम इसकी बैटल कराने वाले विलगैक्स के साथ और देखने वाले कि इन दोनों करेक्टर में कौन सा करेक्टर ज्यादा पावरफुल है, क्या हैक्स इतना पावरफुल है कि वो विलगैक्स को 1-on-1 मैच में डिफीट कर सकते या फिर नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इन दोनों करेक्टर की पावर एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इनके पावरफुल मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि इन दोनों करेक्टर की पावर लेवल कितनी ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं बेंटन की सीरीज के मेन विलन यानी कि विलगैक्स से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बेंटन क्लासिक में विलगैक्स जो थोड़ा कमजोर हमें देखने को मिला था, लेकिन बेंटन एलियन फोर्स के बाद उसका पावर लेवल धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बेंटन एलियन फोर्स में विलगैक्स ने अपनी बॉडी में 10 सुपर हीरोज की पावर्स को डाल लिया था, जिन सुपर हीरोज को हरा के उनकी पावर्स को उसने छीना था। अब यहाँ पे गाइस विलगैक्स जो लेजर बीम का अटैक कर सकता था उसके पास एक काफी स्ट्रॉन्ग आर्मर था और हमें देखने को मिला कि वो कैप्टन की तरह शील्ड क्रिएट कर सकता था और उसके पास गाउंटलेट था जिसका यूज करके वो पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक भी कर सकता था। वहीं पे हमें देखने को मिला कि विलगैक्स के पास फ्लाइंग पावर भी आ चुकी है जिसका यूज करके वो स्पेस में ट्रेवल कर सकता है, और ये चीज हमें काफी बार देखने को मिली थी जहाँ पे गाइस विलगैक्स जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे अपनी फ्लाइंग पावर का यूज करके ट्रेवल कर सकते हैं। अब बात करते हैक्स के बारे में, तो बेंटन की सीरीज में हैक्स एक काफी पावरफुल मैजिशियन के तौर पे हमें देखने को मिला था। अभी इसकी जो एजिंग है वो काफी ज्यादा हो चुकी थी जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि ये बूढ़ा हो गया था, लेकिन इसने अपनी पावर्स को इंक्रीज करके अपनी बॉडी को यंग कर लिया यानी कि जवान कर लिया, जिसके बाद इसकी पावर लेवल पहले की तरह काफी ज्यादा बढ़ गई। अब बात कर लीजिए इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो इसकी स्ट्रेंथ लेवल इतनी ज्यादा है कि बेंटन के वेविक को अपनी पावर का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पे फेंक सकता है। अब यहाँ पे काफी लोगों को डाउट रहने वाला है कि आखिर वेविक को कैसे हैक्स जो अपनी पावर का यूज करके यानी कि स्ट्रेंथ का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पे फेंक सकता है। तो गाइज यहाँ पे हैक्स जो है अपनी मैजिक पावर का यूज करके कुछ भी कर सकता है। हमें बेंटन की सीरीज में देखने को मिला कि हैक्स के पास फ्लाइंग पावर है, प्लस हमें देखने को मिला कि ये किसी भी स्टैच्यू तक को जिंदा कर सकता है, पुराने से पुराने एनिमल की बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर सकता है, किसी की जान ले सकता है, किसी को दोबारा से जिंदा कर सकता है और ये रियलिटी मैनिपुलेट भी कर सकता है, यानी कि बेंटन के वेविक को रियलिटी मैनिपुलेट करके ये दोबारा से बेंटन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे अगर बेंटन के साथ हैक्स की बैटल होती है तो हैक्स एक काफी पावरफुल विलन के तौर पे हमें देखने को मिलेगा। इसकी पावर्स को जो है बेंटन की सीरीज में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स हमें दी गई है कि हैक्स की जो पावर लेवल है वो इतनी ज्यादा है कि किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है, टाइम ट्रैवल कर सकता है, पास्ट में जा सकता है, फ्यूचर में जा सकता है और किसी भी पास्ट या फ्यूचर को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे बेंटन की सीरीज में हैक्स हमें काफी पावरफुल विलन के तौर पे देखने को मिला, लेकिन इसकी पावर्स को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया क्योंकि इसका यूज करके हमें चार्म कास्टर की पावर्स को इंक्रीज होते हुए दिखाया गया था। तो ये सब थी हैक्स की पावर एबिलिटी। अब बात कर लेते इन दोनों करेक्टर की वीकनेस के बारे में, तो बेसिकली हैक्स की वीकनेस तो हमें कोई भी देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके पास एक छड़ी होती है, अगर उसको उससे दूर कर दिया जाए तो हैक्स की आधी पावर कम हो जाती है। वहीं पे अगर विलगैक्स की वीकनेस की बात करें तो विलगैक्स की बॉडी में जो पावर है वो उसकी खुद की पावर नहीं है, उसकी मेन पावर सिर्फ स्ट्रेंथ है। अगर उसकी बॉडी में से उन पावर को निकाल दिया जाए यानी कि मैजिक का यूज करके उन पावर्स को निकाल दिया जाए तो यहाँ पे विलगैक्स जो है अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके ही हैक्स के साथ बैटल कर सकता है। तो ये सब थी इन दोनों करेक्टर की पावर एंड वीकनेस। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों करेक्टर में कौन सा करेक्टर ज्यादा पावरफुल है। देखो बेंटन क्लासिक से लेके बेंटन ओमनीवर्स के बेस पे देखा जाए तो विलगैक्स का पावर लेवल हमें हैक्स के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिला है, लेकिन अगर इसकी पावर्स को हम ध्यान में रखें तो हैक्स की पावर लेवल इतनी ज्यादा है कि वो विलगैक्स को कभी भी खत्म कर सकता है, यानी कि अपने किसी भी मैजिकल स्पेल का यूज करके विलगैक्स की सारी पावर उसकी बॉडी से अलग कर सकता है, वो रियलिटी को मैनिपुलेट करके विलगैक्स को मार सकता है या फिर वो विलगैक्स को कहीं पे भी टेलीपोर्ट करके ऐसी जगह पे भेज सकता है जहाँ से उसके लिए वापस आना लगभग नामुमकिन है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि अगर पावर वर्सेस पे देखा जाए तो हैक्स का पावर लेवल तो काफी ज्यादा है, लेकिन बेंटन की सीरीज में विलगैक्स को इससे काफी ज्यादा पावरफुल हमें दिखाया गया है, यानी कि हैक्स जैसा करेक्टर विलगैक्स के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हैक्स की पावर को जानने के बाद मैं ये बात बोल सकता हूँ कि हैक्स एक ऐसा करेक्टर है जिसकी बैटल अगर विलगैक्स के साथ होती है तो विलगैक्स को यहाँ पे काफी मेहनत करनी पड़ेगी हैक्स को हराने के लिए। अब इस पे आप लोग अपना ओपिनियन भी दे सकते हो, नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इन दोनों करेक्टर में कौन सा करेक्टर ज्यादा पावरफुल है। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएं और बेंटन
बैंटन की न्यू मूवी तो आने वाली है, उसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।